एक सप्ताह के अंदर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोणों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर का ये बयान आना कि जिसके ऊपर गोलियां चली वो आदमी क्रिमिनल था, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पिछले 4.5 साल में हरियाणा में आपराधिक घटनाएं यूपी और बिहार से भी ज़्यादा बढ़ी है, और इसका पूरी तौर पर जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रदेश का पुलिस प्रशासन, होम मिनिस्टर जो कि खुद मुख्यमंत्री है, जिसकी वजह से आज ऐसे हालात हुए। फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता पे तो गोलियां चली, मगर उससे एक दिन पहले उसी फरीदाबाद के अंदर एक एचआर मैनेजर को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया जाता है। सरकार आज तक उस मर्डर का कोई ट्रेस नहीं उठा पाई। फरीदाबाद शूटआउट के एक दिन बाद करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को उसके व्यवसाय से बाहर निकलते हुए गोली मार दी जाती है। ये तमाम चीज़ें ये बताती है कि आज गुंडा राज को कोई बढ़ोतरी दे रहा, कोई बढ़ाने का काम कर रहा है तो और कोई नहीं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज के दिन प्रदेश के अंदर हर रोज एक डकैती, 3 मर्डर और 4 रेप जैसी घटनाएं हो रही, और ये सरकार की निगरानी के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंचों को शेयर कर रहे हैं। खुद ADGP लॉ एंड ऑर्डर एक व्यक्ति को हिस्ट्री सेटर बोलते हैं, और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में बैठक के दौरान अपनी मौजूदगी दिखाता है। ये दर्शा देता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को अपने संगठन में तो ले रहे, उसके साथ कानूनी आपराधिक गतिविधियों के अंदर उनका योगदान भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे, और इसका स्वयं आप सबके पास विवरण भी है कि मनीष ग्रोवर जो प्रदेश में मंत्री है उनके साथ ऐसे लोग चुनाव के दौरान देखने को मिले। इसके साथ एक आज और कल 2 दिन हो गए लगातार न्यूज छप रही कि मनेठी के अंदर जो केंद्र सरकार ने इंटरिम बजट में एम्स की अनाउंसमेंट करी थी उसको सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। 2015 से लेकर 19 तक निरंतर मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि व्यवस्था हम बनाएंगे, मगर जो केंद्र में बैठे वजीर है वो केंद्र से इसका अप्रूवल लेकर आए, और केंद्र मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने जहाँ इस चुनाव से पहले मनेठी एम्स का अप्रूवल लाने का काम किया, आज उस मनेठी एम्स को कैंसिल होता हुआ अगर रिकॉर्डेड तौर पर हम देख रहे तो इसके जिम्मेवार केवल मात्र मुख्यमंत्री हैं कि वो आज ना तो जमीन की व्यवस्था बना पाए, ना मेडिकल व्यवस्था प्रदेश की सुधरे, इसके लिए भूमि एम्स जैसी बड़ी संस्था को उपलब्ध करा पाए। मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि क्या लोकसभा का एजेंडा मनेठी का एम्स था, या अहिरवाल की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक और चीज निरंतर युवाओं के लिए सामने आ रही, आज एक अखबार ने इसका विवरण दिया है कि जो टॉपर्स थे जिनको सरकार ने प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर आप अपने अपने क्लास के अंदर टॉप करोगे तो आपको सरकार द्वारा लैपटॉप दिए जाएंगे, पिछले 3 सालों से उस व्यवस्था के अंदर एक भी छात्र को प्रदेश के अंदर लैपटॉप नहीं दिया गया। ये साफ दिखा देता है जैसे इनने पहले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कैंसिल किया, उनकी
जो रिवॉर्ड राशि थी उसमें कटौती करी, पुलिस भर्ती के अंदर स्पोर्ट्समैन कोटे को ख़त्म किया जो 3% होता था, और उसके बाद अगर इस तरह की व्यवस्था आज बन रही तो हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों के साथ धोखा करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप जैसा कोई साथी भी आज हाईलाइट नहीं कर पा रहा कि CAG के ऑडिट के अंदर भी एक स्कैम सामने आया था कि SC ST छात्रवृत्ति के अंदर एक घोटाला हुआ इस प्रदेश के अंदर जो करोड़ों का, अकेले झज्जर जिले में 5 करोड़ का CAG ने ऑडिट कर निकाला। और इसके ऊपर ये मांग करी गई है निरंतर कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो, और जो लोग जिनने SC ST छात्रवृत्ति के घपले में पैसे खाने का काम किया है उनको सजा दे। आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मिलकर ऐसे लोगों को शह देने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं जिनने प्रदेश के आज SC ST बच्चों की छात्रवृत्ति को भी खाने का काम किया है। और क्योंकि बजट सेशन चल रहा है केंद्र का, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज भिवानी के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर ग्रीन कॉरिडोर के पूरे ऊपर किसान धरने पर बैठा है, उनकी ये मांग है कि किसान को उसकी ज़मीन का मूल्य जो है वो फालतू मिले, क्योंकि सरकार एक गांव में एक रेट पे एक्वायर कर रही है, दूसरे गांव में दूसरे रेट पे एक्वायर कर रही है। और उनकी सांझी मांग यही है कि जहां आप एक कॉरिडोर बना रहे सभी लोगों को सामान्य तौर पर ज़मीन का मुआवजा देने का काम कर, ये सरकार की मंशा को साबित कर देती है कि आज उन छात्र उन किसानों को जहां सरकार मुआवजा तो पूरा नहीं दे पा रही मगर उनको डरा कर धमका कर दबाने का काम करी। मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि इस बजट के अंदर प्रोविज़न लाई जाए जिसके अंदर अगर किसी किसान का खेत दो हिस्सों में बट रहा है, हाईवे उसके खेत के बीच में से जा रहा है, आज उसकी आने वाले समय में खेती की व्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा, तो उसके लिए एडिशनल फंड्स की अलॉटमेंट की व्यवस्था बनाए। और जहाँ पूरा चुनाव केंद्र सरकार ने नेशनलिज्म पर आर्म्ड फोर्सेस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम पर लड़ा, मैं ये मांग करता हूँ जैसे 5 लाख तक का एग्जेम्पशन आज मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से देने का काम सरकार ने किया है, भारत सरकार को भी ये प्रोविज़न लानी चाहिए कि जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के अंदर हमारे जवान उनको भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करें कि आज देश सुरक्षा के अंदर जो उनका योगदान, अगर आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को डॉक्टर्स को इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दे सकते हो, जो लोग इस देश के बॉर्डर पर आज आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, हमारे दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, सरकार का कर्तव्य भी बनता है कि उन लोगों को पूरी तौर पर सुरक्षा सरकार मुहैया कराने का काम करे, उनको इनकम टैक्स रिलीफ देने का वादा इस बजट के अंदर सरकार करे। साथ में आज हमारे बीच में रिटायर्ड SDO है तैयब घासेड़िया जी, ये पहले पब्लिक हेल्थ में SDO भी रहे हैं, नू विधानसभा से 2009 के अंदर इंडिपेंडेंट इनने चुनाव लड़ा है, 2005 के अंदर SDO पद से इनने रिज़ाइन देकर सामाजिक गतिविधियों के अंदर निरंतर भाग लेने का भी काम किया था, और आज के दिन वहाँ पर जितनी भी सामाजिक संस्थाएं अलग अलग समाज उत्थार के जो काम हो रहे उसके अंदर इनका अहम योगदान भी रहता है। तो हमारे मेवात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बदरुद्दीन जी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष प्रभारी मोहसिन चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर जी, इन सब के प्रयासों से आज तैयब घासेड़िया जी अपने तमाम साथियों के साथ जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी के मजबूत जो भूमि रही है मेवात की, मेरा ये मानना है कि आज हमें एक नई ताकत
उस मेवात की भूमि के अंदर मिल रही है और आने वाले समय में मेवात की और मेओ जो हम बेल्ट बोलते हैं हरियाणा की, उन पांचों की पांचों सीटों के अंदर जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में भी तैयब हुसैन घसेड़िया जी का एक अहम योगदान पार्टी के अंदर रहेगा। मैं पहले आपसे कोई आपके सवाल हो, फिर औपचारिक तौर पर इनका भी हम स्वागत करने का और इनके तमाम साथियों का स्वागत करने का काम करें। ग्राहक भूषण जी पर अगर देखा जाए तो पहले जो ज्वाइनिंग का था इन्हें तो उसे ज्यादातर जेजेपी में जा रहे थे, औपचारिक सा एक नेचुरल सा चीज था जेजेपी में जाना, लेकिन पिछले अगर आप देखें 2-3 महीने में खासतौर से लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में ज्यादातर इन्हें हुई है वो बीजेपी की तरफ जा रही है, तो जाम कम क्यों हुआ जो इन्हें उसे छोड़कर जाना चाहते हैं बीजेपी की तरफ ना जाकर बीजेपी की तरफ क्यों जाते? ये तो इन्हेलो वालों से पूछो। हमने तो जिन साथियों को शामिल करना था, जो हमारे साथ इस संघर्ष की मुहिम में जुड़ना चाह रहे थे, उन सब का स्वागत किया है। अब क्या कारण है जो साथी रह गए थे उनका बीजेपी मोह बढ़ रहा है? इसका जवाब तो लोकदल देगी। हमारे संगठन को मजबूत करना हमारा प्रयास है, उसमें हमें सामाजिक लोगों का जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। शैलजा जी हैं जिनने पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया, आज मेवात के अंदर जाकर महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए ये एनजीओ भी चलाती है। सामाजिक तौर पर इनने मेवात के अंदर अनेकों महिलाओं के साथ मिलकर काम किया है, ये भी हमारे साथ शामिल हुई और दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से पूरे प्रदेश भर के अंदर लोग जननायक जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे। और जिस तरह की हालात आज भारतीय जनता पार्टी की बनती जा रही, जब एक झरोखा समुन्द्र में आता है तो बहुत सी चीज़ों को बाहर लेकर आता है और जब जाता है तो सब चीज़ों को वापस लेकर जाता है। तो मेरा ये मानना है आज जो लोग भाग रहे ये शायद टिकट के लालच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे होंगे, मगर ये झरोखा जब वापस आएगा, चुनाव आएंगे, टिकटों का वितरण होगा, तो उससे ज़्यादा गति से ये पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी को छोड़ने का भी काम करेगी। अगर बीजेपी तो प्लस का काम कर रही है और ये कह रही है कि प्रदेश में फिर से सत्ता में। आलोक जी, आपकी बात निरंतर हम सुनते आए हैं कि 75 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही। बात करना बहुत आसान है, धरातल पे तस्वीर बदलना बहुत मुश्किल। मैं तो ये मानता हूँ कि आज युवा रोजगार मांग रहे, व्यापारी हो, महिला हो, हरियाणा वासी हो, सुरक्षा मांग रहा, आज पूरी तौर पर प्रदेश सरकार विफल रही। और आने वाले समय में जब जन जन ये पुकार करेगा तो जो 4 से 47 गए थे, ज़्यादा परिवर्तन में समय नहीं लगेगा, वो वापस 4 पे आने का भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इनके लुभावने नारों के ऊपर ध्यान ना देते, संगठन को, नए लोगों को हम जोड़े, संगठन को बढ़ाएं और एक ताकत के तौर पर प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई को लड़े। आज के दिन जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से अपनी तैयारी में जुटी है। हमारे साथी आम आदमी पार्टी की टीम अपनी औपचारिक इंटरनल मीटिंग कर रही है, उनका निर्णय होगा कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर उनका हरियाणा में चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, मंशा होगी, तो ज़रूर बैठ के उस पर चर्चा करी जाएगी, पर आज के दिन जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी। आपके दरवाजे खुले हैं गठबंधन के लिए, अकाली दल से कोई गठबंधन की संभावना देखते हैं आप? क्योंकि पहले INDT से गठबंधन रहा है, पार्टी अलग होने के बाद कहीं लगता है कि अकाली दल के साथ उस तरह की चीजें हो सकती। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन 90 की 90 सीटों पर हम तैयारी कर रहे, भविष्य की बातें किसकी गर्भ में है ना आपको पता ना मेरे को पता, मगर आज के दिन हमारा लक्ष्य यही कि मजबूती से संगठन को बूथ लेवल पर 90 की 90 सीटों पर हम खड़ा करें। और इसके लिए हमने हर बूथ के ऊपर साथियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। सिरसा जिला हो, हिसार हो, 4 तारीख को कैथल जिले की बैठक ली जाएगी और फिर बूथ लेवल पर एजेंटों के साथ चर्चा कर कैसे संगठन को हम बढ़ाएं, उसको आगे लेकर चलना हमारा काम रहेगा।
सर आप बोल रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी का वेट कर रहे हैं, तो क्या आप जेजीपी का ये दिन आ गया है कि जिसको चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा था, अब वो आम आदमी की दया का वेट कर रहे हैं कि अगर वो कहेंगे आप एक बड़े तो आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, ये दया और इस तरह के शब्द शायद राजनीति के अंदर अच्छे नहीं लगते, पर जहाँ आप बोल रहे हो कि इंतजार कर रहे, वो हमारे एलाए, वो हमारे साथ लोकसभा में चढ़े, कोई यहाँ बसपा सपा नहीं है कि गठबंधन टूट गया और टूट गया की बात, हमने लंबा साथ चलने का निर्णय लिया था, वो उनकी पार्टी का इंटरनल डिसीजन होगा कि वो हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर लड़ी थी, और हम तो अपना 90 की 90 सीटों पर काम शुरू कर चुके हैं, और इसी प्रयास में है कि हम तैयारी करें कि अगर हमें 90 सीटें लड़नी है तो हम लड़ेंगे, हमें किसी को साथ लेकर चलना है और उससे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, हमें ताकत मिलेगी। तो जरूर चौधरी देवीलाल की विरासत की आप बात करते हैं, चौधरी देवीलाल ने कभी सहयोगियों से अपने आप को दूर नहीं किया था, आप 1987 का दौर उठाकर देखें, उस समय भी CPI CPM को 2 सीटें दी थी और हर एक को साथ लाने का काम किया था। हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी की सोच के विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पूरे देश में एक होना चाहिए। इस लोकसभा के नतीजे ने एक चीज़ साबित कर दी कि ऑपोजिशन के पास राहुल गांधी कांग्रेस के क्योंकि नेता थे, तीसरा चेहरा नहीं था, मोदी राहुल गांधी में लड़ाई हुई, लोगों ने मोदी को प्रेफर किया। प्रदेश की परिस्थिति अलग, प्रदेश के अंदर चेहरों की कमी नहीं है, मगर परिस्थिति क्या बनेगी ये तो अगले 100 दिन बताएंगे। आज हम इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने संगठन को 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने लायक बनाए, ये हमारा कर्तव्य। सर चौधरी बीरेंद्र सिंह का कल एक बयान आया कि मोदी के नाम पर हम जीत गए थे इस बार, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग से इस तरह देख रहे होंगे पार्टी के लिए। एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने लग गए कि जो लोग ये कहते थे कि हम अपने दम पर जीत कर आएंगे, आज उन लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि जो 303 जीते हैं उनमें से नरेंद्र मोदी जी को अलग कर दो तो 302 भी मोदी के नाम पर जीत कर आए। उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन के बावजूद ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर आ गए, हरियाणा के अंदर स्वयं करनाल के जो सांसद नियुक्त हुए, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पर, दोनों बार जमानत जब्त हुई, और इस बार इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीत कर आए। ये साबित कर देता है कि कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, मोदी को वोट दिया है, मगर प्रदेश की परिस्थिति अलग होगी। प्रदेश के अंदर खट्टर सरकार के जो कारनामे रहे उसके ऊपर लोग वोट डालने का काम करेंगे, और विश्वास दिला देता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का 75 का घमंड है, लोग 4 से जैसे 47 लेकर गए थे, वापस 4 पे लाकर इनको रोकने का काम। आपकी जो लड़ाई है वो सत्ता की लग रही है या विपक्ष की लग रही है, आज आप खड़े कहाँ देखते हैं कि आगामी विधानसभा में कौन सी भूमिका आप लोग अच्छे से निभा सकते हैं? हम तो सरकार बनाएंगे, सत्ता की है, और हमारा लक्ष्य यही है कि आज 46 विधायक सरकार बनाते हैं, हम 46 का आंकड़ा पार। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन? तो पार्टी का इंटरनल डिसीजन है। आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? अगर आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा।